नौटंकी इतनी ज्यादा हो चुकी कि समझ में नहीं आ रहा है कौन सी चीज सच है कौन सी चीज झूठ है। तो गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब? उम्मीद आप सभी लोग ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मिशनरी पराग। तो आज का अपन ब्लॉग शूट कर रहे, अभी बज रहे हैं कुछ 5:30, सुबह के 5:30 बज रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत जो धूप है वो मेरे चेहरे पर आ रही है और पीछे का जो आप बैकग्राउंड देख रहे होंगे वो भी बहुत खूबसूरत। और मैं आ चुका हूँ अभी हमारे गोंदिया के तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है ऐसे प्लेस पर जिसका नाम है पांगड़ी। काफ़ी दिन से मैं सोच रहा था कि कुछ ना कुछ एक ऐसे नई जगह पर जाया जाए, थोड़ा फ्रेश फील किया जाए। काफ़ी सारी नेगेटिविटी इधर उधर से फील हो रही, तो अपन यहाँ पर आए हैं हमारे कुछ मिशनरी हमारे साथियों से, उनसे भी मैं मिलाऊंगा। और आज का ये सुबह 5:30 बजे का जो समय है आप सभी को मैं दिखाना चाहूँगा कि कितना खूबसूरत यहाँ पर नज़ारा है। और जितने भी लोग ये लॉकडाउन के अगर जिनका शेड्यूल बिगड़ चुका है ना, उन लोग देख लो कि सुबह कैसी होती है। आप देख सकते हो कितना खूबसूरत ये दिख रहा है। और यहाँ पर ये पूरे पहाड़ पहाड़ माउंटेन्स है इधर सब। और सुबह 5:30 बजे का सूरज, वाव। तो मैं जिन लोगों के साथ में आया वो तो मोस्टली आपको पता है कि हमारे द थिंग की टीम, हमारे संदीप आनंद और इंजीनियर स्नेहा ताई। तो आज हम इस प्लेस पर पहुंचे हैं, काफ़ी सुबह है और इतने सुबह मोस्टली हम उठते नहीं हैं क्योंकि लॉकडाउन के कारण हमारा जो शेड्यूल बिगड़ चुका है। रात में लेट तक के सोना होता है और फिर सुबह लेट उठना होता है। लेकिन आज हमने एक ऐसा मूड बनाया कि हमको इस प्लेस पर आना है क्योंकि काम के चलते काफ़ी सारी नेगेटिविटी जो एक कहने के फील हो रहा है जगह से, लेकिन एक पॉजिटिव चीज़ अगर आना है तो नेचर सबसे बेस्ट चीज़ है। अभी आज हम यहाँ पर क्यों आए, फिर आप यहाँ पर किस थॉट को लेके आए थे? लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन में थोड़ा सा बिजी शेड्यूल से अपना समय निकाल के आज हम सुबह सुबह यहाँ नेचुरल प्लेस में आए। तो नेचुरल प्लेस का जो है, आपको मैंने सुबह के काफ़ी सारे शॉट्स दिखाए हैं और डेफिनेटली आई होप कि आपको पसंद आए होंगे। मुझे बताता है कि अभी हमारा द थिंग चैनल जो बूम कर रहा है, काफ़ी सारे सब्सक्राइबर हमारे बढ़ चुके हैं। बहुत सारे जो लोग हैं वो लोग द थिंग के बारे में बात कर रहे हैं कि इसके वीडियोस काफ़ी अच्छे होते हैं, क्वालिटी हम अच्छा प्रोवाइड कर रहे हैं। और अभी एक मीट भी होने वाला है, काफ़ी सारे हमारे बहुजन यूट्यूबर्स हैं उनका एक मीट होने वाला है। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ों में हम इन्वॉल्व हो रहे हैं, यहाँ तक कि हमारा जो चैनल है वो बहुत सारे लोगों तक के पहुँच चुका है। तो अभी मुझे ये बताओ कि जैसा हमारा द थिंग का मेन आइडियोलॉजी या फिर मेन कॉन्सेप्ट, हम किस चीज़ पर काम करते हैं? दो तरह के कंसेप्ट है। एक तो सबसे पहले मीडिया में जो बहुजन मूवमेंट को जगह नहीं मिलती, वो एक हमारा पहला कंसेप्ट है। और दूसरी कंसेप्ट यह है कि बहुजन मूवमेंट जो चल रहा है तो इसमें काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स जो है, पैरेलल पॉलिटिक्स दिखाई देती है, पैरेलल लीडरशिप दिखाई देती है। तो हमारा यह कंसेप्ट है कि हम ओरिजिनल क्या हमारी लीडरशिप है, ओरिजिनल क्या मूवमेंट है, हम वो बताना चाहते हैं। और ओवरऑल लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में जो राजनीतिक मूवमेंट जो चलती है उसके साथ साथ जो राजनीतिक मूवमेंट हमारे आइडियोलॉजिकल चीज़ों पर चलती है, उन चीज़ों को फोकस करना हमारा काम है। साथ ही समाज को जागृत करना, बहुजन आंदोलन को बताना, बहुजन महापुरुषों के बारे में बताना, ये हमारा एक कंसेप्ट है। और संडे हमारा हमेशा से ही मिशन डे रहा है, लेकिन ये लॉकडाउन के चलते थोड़ा सा शेड्यूल हमारा जो है वो इधर उधर हो गया, तो हमको लगा कि कुछ नया करना चाहिए, तो आज हमने यहाँ पर आकर शूट करने का सोचा। बहुजन समाज से जो कन्फ्यूजन है तो दूर करा था। अच्छा, कन्फ्यूजन बहुत फैला है, सगले लोग का कन्फ्यूज है। बस कट तो ये होगा नहीं, बता रहा हूँ अभी जो बोले ना, ठीक है ना, लेना तो बोल दिया क्या? कट होगा, शूट में आ गया क्या? चालू ठीक है ना, ऐसा चले ना मेरा कभी।
ये पराग है, गौर से देखो इसकी शक्ल को, ये वही है, बढ़ चुकी है, इसको शेविंग की दुकान नहीं मिल रही है। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत ही मजेदार हुई है। पहले लोकेशन पे अभी हम पहुंच चुके हैं और दो तीन लोकेशन यहाँ पर कवर। तो अभी आ चुके हम लोग दूसरे वाले लोकेशन पे। दूसरे लोकेशन का आपको मैं पूरा नज़ारा दिखाता हूँ किस तरीके से है। अभी बज रहे हैं सुबह के तकरीबन 7 बजे हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं और ऐसा लग रहा है कि आज का दिन बहुत बड़ा होने वाला है। एक्चुअली अभी ऐसा लग रहा है कि सुबह के तकरीबन 11 बजे। तो पीछे आप देख रही है यहाँ का मेन गेट है और इसके पीछे में यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक गार्डन है, बहुत ही खूबसूरत गार्डन, लेकिन कोरोना के चलते अभी ये बंद है। यहाँ पर एंट्री का जो है वो 10 रुपये का फीस यहाँ पर दिया हुआ है। तो जो लोग स्पेशली जो गोंदिया से है वो सभी लोग इस प्लेस को जानते होंगे, जो पागड़ी करके जो प्लेस है। और जो लोग नए हैं उन लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ कि हमारे एक टूरिस्ट प्लेस बोल सकते, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आते हैं, अपना एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। और जो नेगेटिविटी कहीं ना कहीं चल रही है उसी नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए हम एक नया पॉजिटिव वाइब लेने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। डेडिकेशन का ले लिया मैंने कल, ब्लॉग में आने वाला है, ब्लॉग देखना सब। तो जैसा आप सभी ने देखा कि द थिंग हमारा जो यूट्यूब चैनल है इसके ऊपर में वीडियो शूट हो रहा है और मोस्टली हमारा तो यही रहता है कि जब भी हम कोई भी चीज़ घूमने के लिए या फिर अपना एक अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम वहाँ पर ढूंढते हैं कि कैसे अपने काम को भी हम वहाँ पर कर सके और साथ ही साथ हमारा जो इन्जॉयमेंट है वो भी कर सके। डेडिकेशन देखो इनका, वाह वाह। तो आज के हमारे इस पांगड़ी के जो टूर पे काफ़ी सारे हमने फोटोज़ निकाले हैं, जो अगर आपको देखना है तो आप इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं। नीचे में आपको इंस्टाग्राम की आईडी दिख रही है, पराग महेंद्र, संदीप आनंद और इंजीनियर स्नेहा। तो आज के व्लॉग करते करते ये जो हम फॉरेस्ट में देखते काफ़ी सारे ऐसे बारीक बारीक जो कीड़े होते हैं वो बहुत ज़्यादा हमें परेशान कर रहे हैं। मैं जब भी व्लॉग करने आता हूँ ये आँखों में जा रहे हैं और ये तकलीफ हमारे आज के फोटो निकालने, हमारे जो कैमरामैन यहाँ पर थे उनको भी प्रॉब्लम ही, बार बार मैं आँखों को इसलिए हाथ लगा रहा हूँ कीड़े आँखों में जा रहे हैं। तो इनको अगर कॉन्टेक्ट करना है तो नंबर वगैरह अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो करें तो मास्क निकाल के दिखा दे, मास्क निकाल के दिखा दे। तो अभी मैं घर पहुंच चुका हूँ, राहुल और मोहित अभी सुबह सुबह क्या कर रहे हैं देखते हैं। राहुल मोहित क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, आप सुबह सुबह कहाँ पर गए थे? मैं सुबह सुबह कहाँ पर गया था घूमने के लिए? मैं सुबह सुबह गया था, तुम लोग तो सोए थे, एकदम सुबह 5 बजे गया था मैं। कौन सा प्लेस है ब्लॉग में देखना आपने, बहुत मस्त प्लेस है, सुबह सुबह का सूरज मैंने दिखाया है, तो जब ये वाला ब्लॉग आ गया ना तब देखना। आप लोगों को क्यों नहीं लेता? आप लोगों को कैसे लेके जाओ, आप तो सोए थे है ना, अभी लॉकडाउन के कारण तो इतना ज्यादा सोना हो रहा है कि आप लोग तो इतना सोते हो कि उठते ही नहीं हो, फिर दोपहर में भी और सो जाते हो। सुबह सुबह जल्दी उठना चाहिए ना, एक ही नहीं स्कूल अगर जब जाते थे तब जल्दी जल्दी उठते थे है ना, तो अभी भी जल्दी जल्दी उठो है ना, नहीं तो फिर बीमार पड़ जाओगे, अभी तो सब बीमारी इधर उधर चालू है मालूम है। ठीक है, तो आप लोग भी अगर हैबिट आपकी बिगड़ गई होगी तो कोशिश करिए कि जल्द से जल्द उठे और फ्रेशनेस फील होने के लिए एक्सरसाइज करें। आज के टाइटल के ऊपर में आते हैं और नौटंकी इतनी ज्यादा हो चुकी कि समझ में नहीं आ रहा है कौन सी चीज सच है कौन सी चीज झूठ है। आंसू भी इस तरीके से बहाए जा रहे हैं कि कहा जा रहा है कि ये मेरे दर्द और मेरे दुख के आंसू है। क्या तो आज का थंबनेल और टाइटल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि हम कैसे शख्स के बारे में बात कर रहे हैं। एक ऐसा शख्स जिन्होंने इस भारत के अंदर में जनता को बेवकूफ बनाने के लिए इतने झूठ बोले हैं, इतने झूठ बोले हैं कि शायद इनका काउंट किया जाए तो काउंट करने वाला ही थक जाए। हाँ, वो वही शख्स है जिसको हम हमारे देश का प्रधानमंत्री कहते हैं, मिस्टर नरेंद्र मोदी।
मैं उन सभी लोगों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिजनों के प्रति सांत्वना व्यक्त करता हूं। और सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी जी का वीडियो एक बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। वो वीडियो में हमको रोते नजर आ रहे हैं और रोने का कारण उनका ये है कि जितने हमारे भारत के कोरोना के चलते लोग हैं, वो जिनकी मौतें हुई है उनके ऊपर में अपना दुख प्रकट कर रहे हैं, दुख प्रकट कर रहे, बता रहे कि मुझे कितना ज्यादा दुख हो रहा है। और जैसे ही थोड़ा सा रोना शुरू करते हैं तो उनके शब्द लड़खड़ा जाते हैं और उसके बाद में कैमरामैन से भी जो साजिश सुनकी रहती है कि कैमरामैन भी उनके उस फेस पर ऐसा झूम करता है, यानी उसे भी पता है कि मोदी जी कब रोने वाले। तो इसके ऊपर में विश्लेषण सबसे इम्पोर्टेंट बहुजन समाज का होना चाहिए कि ऐसे घड़ियाली आंसुओं के ऊपर में हमको विश्वास नहीं करना है। पिछले साल पूरा साल के अंदर में उन्होंने काफी सारे अरेंजमेंट्स रेमडेसिविर को लेकर करना चाहिए था, उसके बाद में कोरोना के हॉस्पिटल्स बनाने के लिए काफी सारे मौके उनको दिए गए, लेकिन बंगाल का चुनाव और तमाम तरीके के ऐसे जगहों पर उन्होंने अपना समय दिया जहां पर लोगों की जाने चली गई, किसी ने अपना पिता खोया, किसी ने अपना भाई खोया है, किसी ने अपना पति खोया है, ऐसे तमाम तरीके के दुख हमारे लोगों को झेलने पड़े। और उसके बाद में भी इनकी बेइंतजामी को लेकर बहुजन समाज के अधिकतर लोग और तमाम भारतवासी जो लोग हैं उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। और ऐसे समय के अंदर में किसी भी तरीके के अरेंजमेंट को एक प्लानिंग को लेकर सामने ना आते हुए तो अपने ये घड़ियाली आंसू अगर दिखाए जा रहे, इसका मतलब बहुजन समाज को फिर एक बार ये इस तरीके से धोखा देना चाहते हैं, उनको एक जाल के अंदर में फंसाना चाहते हैं जहां पर बहुजन समाज अभी जागरूक हो चुका है और मनुवादियों के इस तरीके के जंजाल में अभी ये फंसने वाला नहीं है। तो बहुजन समाज के लोगों का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, तमाम तरीके की मनुवादी पार्टियां हो, ये बहुजन समाज का कभी कल्याण उद्धार नहीं कर सकती। अगर उद्धार करना है तो हमें ही हमारी पॉलिटिकल पार्टी को मजबूत करना पड़ेगा, हमारे ही शक्ति को मजबूत करना पड़ेगा, जिस ताकत को माननीय कांशीराम साहब ने जो बीज बोया है और उसका फल हमको जो दिखाई दे रहा है, उसी को हमको जो पेड़ बन चुका है इसको भी हमको मजबूत करना पड़ेगा, तब जाके हमारे समस्या का निवारण होगा। बाबा साहब ने बात कही है कि जब तक अपनी राजनीतिक सत्ता इस देश के अंदर में नहीं ला सकते, आपकी समस्याएं निरंतर बरकरार रहेगी, और समस्याओं का अगर निवारण करना है तो इस देश के अंदर में हमको सत्ता को हाथ में लेना पड़ेगा। तो ये व्लॉग जो मैंने शूट किया वो उन लोगों के लिए जो बहुजन समाज के सादे भोले लोगों को फंसाने का काम कर रहे हैं, उनके दिमागों को हाईजैक करने का काम कर रहे हैं और इमोशनल तरीके से एक हितेशी बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन बहुजन समाज अभी जागरूक हो चुका है और इन तमाम तरीके के भी झूठे आंसुओं में वो आने वाला नहीं है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा आपको ये व्लॉग लगा। और आज के व्लॉग में इतना, मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।